हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस लीग पर ही टिकी रहेगी क्योंकि करीब 70 से ज़्यादा मैच दो महीने तक चलने वाले हैं। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के चौथे मैच की जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। इन दोनों की जब जब टक्कर होती है तो मैदान में तहलका मच जाता है। यह मैच आपको 24 मार्च को जयपुर के सवाई मानसिंह के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे जयपुर में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 57% रहेगा, टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 31% जीतने का चांस है तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 69% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 159 है तो वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 145 है। अब अगर बात करते हैं चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं जहाँ पर टोटल मैच दोनों के बीच में 3 खेल खेला गया जिसमें से राजस्थान रॉयल्स 2 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर लखनऊ 1 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। अगर राजस्थान की टीम की बात करें पिछले कुछ साल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। टीम 2022 में फाइनल तक गई थी लेकिन वहां गुजरात से हार गई थी। अब टीम ने प्लेयर्स का स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर इकट्ठा किया। टीम की कप्तानी की बात करेंगे जो कि संजू सैमसन कर रहे हैं। ओपनिंग में आपको पावर पैक यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे जहाँ पे कप्तान संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर हैं, ध्रुव जोहल जो टीम के लिए कंसिस्टेंसी से रन भी बनाए हैं। यहाँ पे लोअर में बैटिंग ऑर्डर में रॉन पॉवेल, टॉम कॉलर एंड रियान पराग जो कि फास्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट और अफ्रीका के पेसर नार्दे बर्गर जो कि लीड करेंगे। वहीं पर अवेश खाना एंड नवीदीन सैनी जो कि लाइन लेंथ से बॉलिंग कर सकते हैं। अगर स्पिन बॉलिंग में जहां पर अश्विन और युजवेंद्र चहल की जोड़ी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राजस्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं जहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर है, ध्रुव जोहल है, रॉबिन पॉवेल, रविचंद्रन अश्विन है, युजवेंद्र चहल है, अवेश खान है, नवदीप सैनी है, ट्रेंट बोल्ट है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि संजू सैमसन है, ट्रेंट बोल्ट है, जॉस बटलर है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं जहाँ पे टीम ने अब तक 2 सीजन खेले हैं और दोनों ही बार प्लेऑफ में क्वालिफाई भी किया लेकिन अब तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस साल भी टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे। टीम ने ऑक्शन में न्यू प्लेयर्स को भी ऐड किया। टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे क्विंटन डिकॉक एंड डबडक पटिकल है, वहीं मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे केएल राहुल, अंश बदोनी, दीपक हुड्डा टीम के लिए स्ट्राइक रोटेट कर से तेजी रन भी बना सकते हैं। वहीं लोअर बैटिंग ऑर्डर में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोनिस, वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरन भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं। टीम की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और शिवम माबी और नवील उलग जो कि फास्ट बॉलर है। जहाँ पे वेस्ट इंडीज के न्यू बॉलर सिमर जोसेफ जो कि टीम में लिया गया, वहीं पे मोहसिन खान जो टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अगर स्पिन बॉलिंग में बात करें तो जहाँ पे एक्सपीरियंस अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई जो टीम के एक्स फैक्टर है, डेविड विली भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं जहाँ पे क्विंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, दबदक पटिकल है, निकोलस पुडन है, दीपक हुड्डा है, मार्कस स्टोनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, शिवम महावीर, डेविड विली, मोहसिन खान या अमित मिश्रा। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुडन है, मार्कस स्टोनिस है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। जो दोनों टीम सेम कैप्टन के साथ है, स्क्वाड देखो तो आरआर के थोड़ा सा पीछे और टीम स्क्वाड एंड कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमारी तरफ से आज का मैच बना यहाँ पे लखनऊ होगा। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकती है। कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।